आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में, जो कि हमारा नया सब्जेक्ट है। उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो अब ये क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये करता है कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को, और ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है यूजर और मशीन के दरमियान। इसके अलावा ये दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए भी स्पेस देता है, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब ये जो विंडोज क्या होता है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन शॉर्ट ओएस, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट इसकी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। 10 इसका वर्जन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस तरह इस पूरा का जो एक इंट्रोडक्शन बना के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 क्या है, ये हमने इसमें समझा। अब ये कहाँ है, कैसा है, इसको कहते हैं, ये जो आप चला रहे होते आपका पूरा सिस्टम जो चल रहा है, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, जिसमें आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आ रही है सामने, ये आ रहा है, ये सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब प्रोग्राम, यानी ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 क्यों जरूरी है, ये हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जैसे लिखा हुआ कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसलिए ये हमारे कंप्यूटर में होना लाजमी है। तो आज हमारा जो लेसन है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के हवाले से है। तो इसमें आगे चलते हैं, इसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है। इसके बेसिक कंसेप्ट दो है, फाइल एंड फोल्डर। अब इसमें अगर समझने के फोल्डर क्या होता है, फोल्डर इज जस्ट लाइक अ बैग व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स। फोल्डर एक बैग की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, जिसका काम है दूसरे फोल्डर्स एंड फाइल्स को स्टोर करना। फोल्डर इज लाइक स्कूल बैग व्हिच यूज टू स्टोर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अगर अदर फोल्डर्स एंड फाइल्स हैं तो उनकी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बुक एंड कॉपीज। तो हमारे स्कूल के बैग में यही सेम हुआ होगा, लेकिन फोल्डर जो है क्योंकि इमेजिनरी चीज है, क्योंकि ये स्क्रीन के अंदर होता है, स्क्रीन के बाहर तो नहीं हो सकता, तो ये वर्चुअल है। तो इसका काम है फोल्डर्स एंड फाइल्स को स्टोर करना, और यही बेसिक कंसेप्ट है विंडोज का। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के इंटरफेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंटरफेस इंट्रोडक्शन। तो इंटरफेस क्या होता है, देखिए ये जो मैं एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ जिसका नाम है नोट पैड, ये इसका इंटरफेस है जिससे मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, इस तरह से मैक्सिमाइज रीस्टोर मिनिमाइज कर रहा हूँ, दोबारा यहाँ से रीस्टोर कर रहा हूँ, यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। देखिए ये इसके इंटरफेस है जिसको मैं इसकी तरह से यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर से मेरी फाइल सेव है, तो इंटरफेस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आता है डेस्कटॉप, ठीक है, बल्कि मैं कहूंगा डेस्कटॉप से भी पहले एक चीज आती है जिसको कहते हैं लॉग इन विंडो, जहाँ से हम लॉग इन होते हैं इंटरनेट में। यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा कि मैं यहाँ से स्टार्ट में आया हूँ और ये यहाँ पर ये आपको शुरू में स्क्रीन दिखाई देगी इस तरह की, इसे हम कहते हैं लॉग इन विंडो। और ये हमारा यूजर अकाउंट है, यूजर अकाउंट हमें विंडो में लॉग इन होने के लिए लाजमी रिक्वायर्ड होता है। तो ये हमारा यहाँ से मैं अपने लॉग इन होता हूँ, तो ये जो पहली स्क्रीन मेरे सामने आती है इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, ये जो पूरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है। तो ये विंडोज का डेस्कटॉप है। अब डेस्कटॉप क्या होता है, जहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम या फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, कोई प्रोग्राम खोलना है, फाइल खोलनी है, बंद करनी है, लिखना है, रीड करना है, राइट करनी है, तो ये हमारा है डेस्कटॉप। उसके बाद आते हैं आइकन्स। तो आइकन्स क्या होते हैं, देखिए आइकन्स ये जो इसकी जो आप छोटे छोटे पिक्चर्स देख रहे हैं, इनमें कुछ तो फाइल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ फोल्डर्स के, ये येलो वाले सारे फोल्डर्स के हैं, ये सारे फाइल्स के हैं, ये जो है सब के सब क्या है, आइकॉन्स है, ठीक है। ये जो कि आइकन्स की डेफिनेशन है, आइकन रिप्रेजेंट्स एनी सॉफ्टवेयर, अ फाइल, अ फोल्डर, तीन चीजों को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर किसी फोल्डर को या फिर किसी फाइल को, ये किसी सॉफ्टवेयर को जिसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं तो आगे आते हैं हमारा टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है, ये जो पूरी बार आप देख रहे हैं नीचे बनी हुई आ रही,
ये वाली बात, ये पूरी बार जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं टास्क बार, ये पूरी बार जो आपकी बनी हुई है इसको टास्क बार कह रहे हैं, ये पूरी टास्क बार है। ठीक है, टास्क बार के अंदर दूसरी चीज आती है, पहली चीज आती है सर्च बॉक्स। ये देखिए सर्च बॉक्स है जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू सर्च इन विंडोज यू कैन टाइप देयर, मतलब कोई फाइल है, कोई फोल्डर है सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी फाइल या फोल्डर होगा तो ये आपको दिखा देगा, इनको सर्च करके नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास चॉइसेस हैं। अगर आप फाइल्स को ढूंढना चाह रहे हैं तो या डॉक्यूमेंट्स पर ढूंढ रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च करना चाह रहे हैं, और अगर ये आप अपने जो है फ्रॉम एप्स मतलब कोई भी जो ऐप इसके अंदर इंस्टॉल है उसको देखना चाह रहे हो यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं सर्च बॉक्स में स्टार्ट बटन, ये देखिए ये वाला जो आइकन देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टार्ट बटन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आइकन ऑन कर रहे हैं, क्लिक करेंगे तो ये खुल गया स्टार्ट मेन्यू, इससे हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर या एप्स कह रहे हैं, ये एप्स हैं, ये एप्स और ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी दोनों बात नहीं की एप्स एंड सॉफ्टवेयर, थोड़ा समझेंगे ये एप्स और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, सॉफ्टवेयर एप्स दोनों बात एक ही, ये अलग अलग नाम है एक चीज के। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं इस पे। तो उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में स्लाइड अप, ये एरिया एप्स को जो ये जो मोबाइल के व्यू में जो एप्स शो हो रही है उनको हम कह रहे होते हैं एप्स, और ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ये दो इंटरफेस है, ये लेगेसी इंटरफेस है विंडोज 7 से जो कंटिन्यू चला रहा है, और ये विंडोज 10 में जो ना एंड्रॉइड या टैबलेट पीसी का जो इंटरफेस दिया हुआ यहाँ पे चला रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे सिस्टम ट्रे किसे कहते हैं, सिस्टम ट्रे ये एरिया जहाँ पे हमें डेट टाइम नजर आ रहा है, लैंग्वेज सेक्शन नजर आ रहा है, स्पीकर का आइकन जा सकते हैं, कंप्यूटर का वॉल्यूम कंट्रोल कम ज्यादा कर सकते हैं, माइक्रोफोन और यहाँ पे और भी दिक्कत नजर आ रहा, इसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। तो ये स्लाइडर भी हो गया, सिस्टम ट्रे, ये सारी चीजें होंगी, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता हो गया अगली दफा जब क्लासेस में इनके नाम लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी चीजें और जिसको क्या नाम लिया जा रहा है, तो आप उसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद विंडोज रीजन्स की अगर हम बात करें, विंडोज के मुख्तलिफ रीजन्स है जिसमें एक तो आपने देखा डेस्कटॉप है जो ये आपके सामने आ रहा होगा, ये डेस्कटॉप ये एक रीजन है इसका, तो दूसरा इसका जो रीजन है उसको हम कह रहे होते हैं यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जो हमारा रीजन है वहां सब कैसे जाएंगे, वहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये हम डॉक्यूमेंट के फोल्डर में हो जाएंगे। अब ये जो लोड हुआ है ये आप देख रहे हैं ये स्क्वायर टाइप का फ्रेम आ रहा है पूरा बना हुआ, बेसिकली इसको हम कहते हैं ये एक कॉन्सेप्चुअल लैंड है जिसको हम कहते हैं विंडो। ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम रखा गया है विंडोज भी रखा गया है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेम आपको दिया गया है, ये पूरा फ्रेम जो है ना विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये है वो विंडो जिसके अंदर आप अपने फोल्डर एंड फाइल्स को देख सकते हो, जिसके अंदर कितने सारे फोल्डर्स हैं, येलो कलर के नीचे कुछ फाइल्स भी जो इमेजेस और वीडियोस और टेक्स्ट इसको बने हुए हैं। अच्छा, इस फ्रेम को हम विंडोज एक्सप्लोरर भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर, तो विंडोज एक्सप्लोरर भी कह रहे होते हैं, और विंडोज एक्सप्लोरर में जो फर्दर चीजें आ रही है इसको कहते हैं नेविगेशन, नेविगेशन। ठीक है, ये नेविगेशन जो होता है विंडोज एक्सप्लोरर में होता है, और ये नेविगेशन का काम ये है कि आप एक ही विंडो में रहते हुए डिफरेंट फोल्डर्स को यहीं से आप व्यू कर सकते हैं, जैसे आप उसको देखना चाह रहे हैं क्या है क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसके लिए क्या है जो ये दिखा देगा, या क्लिक करेंगे इसमें क्या है यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिक करेंगे क्या है ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है इसमें क्या है, और अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे इसमें क्या है ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है इसमें क्या है, तो यहीं से आप एक बट विंडो ऑपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज एक्सप्लोरर में ये जो पूरा देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, कहते हैं रिबन, तो ये रिबन हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये आपको हर हर उसमें नजर आएगा रिबन, रिबन में मुख्तलिफ टैब्स हैं जो आप देख सकते हैं, टैब्स किसी का नाम होम है और किसी का नाम शेयर है, किसी का नाम व्यू है, इनमें डिफरेंट कमांड्स हैं होम शेयर व्यू, तो इनमें कमांड्स हैं जिनको आप एक्सेस करेंगे टाइम टू टाइम सीखेंगे, जैसे कि किसी को कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, सब रिलेटेड कमांड्स हैं, व्यू में आइकन्स को छोटा करना, बड़ा करना, देखना उसके बाद उसको कमांड्स हैं, ये फाइल का मेन्यू है यहाँ पर, तो ये यहाँ से आप जा सकते हैं। उसके अलावा म्यूजिक, म्यूजिक भी जाना यहीं से क्लिक करेंगे आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं और यू भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पर एक डेस्कटॉप पे जाना है यहीं से क्लिक किया डेस्कटॉप पर आ जाए, फिर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में जाना है यहीं से क्लिक किया डॉक्यूमेंट्स पे चले गए, फिर आपने यहाँ से क्लिक किया म्यूजिक में जाना तो म्यूजिक भी क्लिक करके म्यूजिक पे चले गए, और उसके अलावा पिक्चर्स और वन ड्राइव कहाँ पे जाना है वहाँ क्लिक करेंगे आप यहीं से जा सकते हैं, तो उसके अलावा और भी हमारे पास उसके अंदर रीजन से जहाँ जाके हमें फोल्डर्स एंड फाइल्स को सेव कर सकते हैं, वीडियो एंड ऑडियो टूल में यहीं पर ही मिलने वाले हैं वीडियोस और ऑडियोस, ये सारे फोल्डर्स हैं प्री डिफाइंड फोल्डर्स हैं जिनको हम जिनमें अपने फाइल्स फोल्डर्स वगैरह पे रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शटडाउन करना कंप्यूटर को दिया है, शटडाउन किया जा सकता है, रिस्टार्ट करना रिस्टार्ट की कमांड एक्सीक्यूट कर जा सकती है,
स्लिप मोड पे ले जाना हूँ सिस्टम को, स्लिप मोड पे क्लिक कर देंगे सिस्टम वापस स्लिप मोड पे चला जाएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा एक कंपैरेटिव ले लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 और इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था विंडोज 7 इनमें क्या फर्क था और इससे पुराने वर्जन में क्या फर्क था। तो यहाँ पे देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 जो था माइक्रोसॉफ्ट पेन शॉर्ट एमएस लिखेंगे और विंडोज पेन शॉर्ट विंड लिखेंगे 7। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज डिजाइन ओनली फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर, ये सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया। ये इन्हीं और दो मशीन पर चलता था, डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पर, और किसी दूसरी मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम था। वहीं क्योंकि अगर विंडोज 10 की बात करें तो एमएस विंडोज 10 जो है वो डिजाइन फॉर, मतलब जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया डिजाइन फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, उसके अलावा एंड स्मार्टफोन टैबलेट यानी कि इनके लिए भी इसको डिजाइन किया गया। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम चारों डिवाइस चल सकता है, चारों किस्म के कंप्यूटर पे ऑपरेट किया जा सकता है। ये इसकी खास बात है विंडोज 10 की। तो इसमें दो इंटरफेस है, विंडोज 10 की जो इंटरफेस है टू इंटरफेस, इंटरफेस जो इसके दो, एक इंटरफेस है, एक है इसका लेगेसी, ठीक है ना। एक लेगेसी जो है, लेगेसी का मतलब है लेगेसी विंडोज 7 का इंटरफेस भी इसके अंदर, जो पुराने यूजर है वो भी यूज कर सकते हैं, और जो न्यू इंटरफेस है वो इसका है टैबलेट मोड, ठीक है, वो भी इसके अंदर एक्टिवेट किया जा सकता है। फिर आप इसको वी कैन ऑपरेट जस्ट लाइक स्मार्टफोन। तो जैसे हम स्मार्टफोन को चला, इसके अंदर एप्स होती है, ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, क्लिक कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं, उस तरह भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये खास बात है विंडोज 10 की। तो ये हमारा हो गया विंडोज का एक इंट्रोडक्शन, ये विंडोज एक कौन सा इंटरफेस उसका क्या नाम, ठीक है।